हेलो दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश मालकार है और मैं अपने इस यूट्यूब के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मेरा जो टॉपिक है दोस्तों, ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिक पावर, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे जनरेट होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ पर जो सप्लाई है जनरेट होती है, उसे जनरेटिंग स्टेशन कहा जाता है, जहाँ पर सप्लाई उत्पन्न होती है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों 3.3 KV, 6.6 KV, 11 KV की जो सप्लाई है किसी पावर प्लांट में जनरेट होती है, और जनरेट होने के पश्चात उसे, जैसे ये जनरेट हुई 3.3 KV की सप्लाई, 6.6 KV की सप्लाई, 11 KV की सप्लाई आपकी मान के चलो जनरेट हुई। ठीक है, उसे 3 फेज प्रकार के अल्टरनेटर्स द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो आसपास की कॉलोनी है, जैसे दोस्तों ये आपको मान के चलिए आपका ऐसा पावर प्लांट है जहाँ के आसपास एक गांव है, एक कॉलोनी है, तो वहाँ पर आपको सप्लाई जैसे देना है, तो आप क्या करेंगे, जो सप्लाई है उसे 11 KV की सप्लाई, ठीक है, 11 KV की सप्लाई में चेंज करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, 11 KV की सप्लाई को फिर 440 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट की सप्लाई में चेंज करते हुए आसपास की कॉलोनी को LT लाइट के रूप में आप लोग फेस न्यूट्रल देंगे। अब 3 फेज अल्टरनेटिव के द्वारा 11 KV की सप्लाई, ठीक है, 11 KV की सप्लाई को 132 KV की सप्लाई में डीडी स्टेशन को दिया जाता है, मतलब हाई KV की सप्लाई में चेंज कर लिया जाता है, किसके द्वारा, स्टेप अप प्रकार के ट्रांसफार्मर के द्वारा। ये हम लोग का प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, ये हाई वोल्टेज में हो रहा है दोस्तों, इसलिए ये हम लोग का प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन है। अब ग्रिड स्टेशन में पहुंचता है 132 KV की सप्लाई, तो ये हम लोग का प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, हाई वोल्टेज है दोस्तों। हाई वोल्टेज इसलिए रखा जाता है, जैसे आप 132 KV, 66 KV, 220 KV किलो वोल्ट में है ना दोस्तों, और 400 KV की सप्लाई को आप ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो आपके जो दक्षता होती है वो अधिक होती है और लॉस आपको बहुत ही कम होता है, इसलिए अधिक से अधिक KV की लाइनों को ट्रांसमिट किया जाता है। अब ग्रिड स्टेशन में 132 KV की सप्लाई हम लोग का पहुंचता है, उसके पश्चात दोस्तों 33 KV में चेंज कर लिया जाता है। अब 132 KV की सप्लाई को 33 KV में चेंज करने के लिए स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, उसे 33 KV में चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, ये हम लोग का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है दोस्तों, ये 33 भी हो सकता है दोस्तों, 11 KV की सप्लाई भी हो सकती है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर 11 KV की सप्लाई, अब जैसे कोई सब स्टेशन है, उस सब स्टेशन में 33 KV आया है बड़ा लाइन, वो 11 KV की सप्लाई में चेंज होने के पश्चात उसे LT लाइट के लिए चेंज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में दिया जाता है और उसे LT लाइट में चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, ये हम लोग का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, क्योंकि यहाँ पर आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पहुँचने तक का लाइन जाता है, मतलब यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होती है दोस्तों आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक के पहुँचने का। अब 11 KV की जो सप्लाई है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के द्वारा LT लाइट के लिए दे दिया जाता है और उसे 440 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट की सप्लाई में यूज कर लिया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप जितनी अधिक KV की सप्लाई को ट्रांसमिट करोगे तो उतना लॉस आपको कम होगा, उतनी आपकी दक्षता अधिक होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, इलेक्ट्रिक पावर का, जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का मेरा वीडियो है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।